नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 3 नवंबर है और सैटरडे का दिन है। आज के दिन में आपको बताऊंगी आपके दिन का हाल, साथ ही में बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में, क्योंकि चातुर्मास का अंतिम दिन है ये। चातुर्मास की अंतिम एकादशी को कहा जाता है रमा एकादशी। तो इस एकादशी का क्या महत्व है, क्या खास उपाय जिन किए जा सकते हैं, किस तरह से पूजा विधि रहेगी, सभी आज जानेंगे। तो चातुर्मास की अंतिम एकादशी होती है रमा एकादशी। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं यानी कि एकादशी तिथि को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी जो होती है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नियमित रूप से करता है उसे जीवन में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती, साथ ही में वे निश्चित रूप से 84 लाख योनियों से बच करके सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। तो दीपावली से 4 दिन पहले मनाई जाने वाली ये रमा एकादशी का पर्व अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि इस एकादशी में मूल रूप से महालक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है, साथ ही में भगवान विष्णु के 8वें पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान के केशव स्वरूप की पूजा करने का विधान है। देवराज इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी अष्टक स्त्रोत के अनुसार देवी का रमा नाम देवी लक्ष्मी के एकादश प्रिय नामों में से एक है, इसीलिए इनकी पूजा इस दिन की जाती है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है, इसीलिए उस दिन भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रम करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े आपको धारण करने चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें, भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें। रमा एकादशी व्रत की कथा सुने, साथ ही में और लोगों को भी, परिवार वालों को भी सुनाएं, फिर आरती जरूर करें। रात्रि के समय जिस समय पर चंद्र उदय हो जाता है उस समय दीपदान जरूर करें, और दीपदान से मतलब यह है कि दीप के साथ आप आरती जरूर करें, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, उसके साथ आरती आज जरूर करें। तो द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद स्नान करने के बाद ब्राह्मण को दान दें। सबसे पहले पारण का जब समय है, पारण के समय में ही आपको व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पारण का समय जो निर्धारित किया गया है उसी समय में व्रत खोलेंगे, और किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आप व्रत खोलना चाहिए। अगर बात कर ली जाए कि तिथि का समय क्या रहेगा, तो इस बार 3 नवंबर से शनिवार का जो दिन है 5:10 से रमा एकादशी तिथि लग जाएगी, और इसकी समाप्ति जो होगी वो 4 तारीख को यानी कि 4 नवंबर को रविवार का दिन 3:14 तक रमा एकादशी रहेगी। अगर टाइमिंग की बात करी जाए, ये जो तिथि है यानी कि एकादशी तिथि 3 नवंबर को शनिवार के दिन यानी कि आज ही के दिन में 5:10 से लग गई है, और ये तिथि का समापन हो रहा है 4 तारीख को रविवार के दिन 3:14 पर। एकादशी तिथि का पारण रहेगा 4 नवंबर को यानी कि कल के दिन में सुबह 8:47 से 8:49 तक का रहेगा, जबकि वैष्णव रमा एकादशी जो है यानी कि जो वैष्णव समाज के लोग हैं वो 4 तारीख को उदय तिथि के हिसाब से एकादशी तिथि मनाएंगे, जिसका पारण का जो समय है वो 5 नवंबर को रहेगा, यानी कि 5 नवंबर को किया जाएगा सुबह के समय। तो 4 तारीख को की जाने वाली वैष्णव समाज की जो रमा एकादशी रहेगी उनके लिए पारण का समय रहेगा 6:40 से लेकर के 8:50 तक का। चलिए इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं राशियों की। मेष राशि, पहला कार्ड 7 of Swords एंड द सेकंड कार्ड इज 4 of Cups। अपने विचारों पर अंकुश रखें, नहीं तो आज के दिन में दिक्कतें हो सकती हैं। संतों का सानिध्य प्राप्त होगा आज आपको। कुसंगति से बच करके चलें, विवेक से कार्य जरूर करें, जल्दबाजी नहीं दिखाएं, लाभ होगा आपको। पार्टी पिकनिक का आनंद जरूर मिलेगा, कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग जो है यानी कि स्टूडेंट्स को आज सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ उपाय, शनिवार का दिन है तो आज नजर दोष के लिए कोई उपाय जरूर कीजिए, नमक से अपनी नजर उतारा जरूर कीजिए। चलिए बात करेंगे टॉरेंस की। 3 of Cups एंड द डेविल कार्ड निकलता है, तो आपके किए गए कार्य जो है लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। आज आपकी सराहना भी होगी, भय चिंता और तनाव का कहीं ना कहीं पे कारण हो सकता है। किसी भी काम के लिए आपको रिस्क नहीं लेना है, चोट दुर्घटना चोरी आदि से हानि हो सकती है, थोड़ा संभल करके चलिए। आज के दिन में हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना, उनको अर्पित करना बेहद लाभकारी रहेगा, आपके हर कार्य को सिद्ध कराएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि। द वर्ल्ड एंड
सेवन ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स कार्ड निकल रहा है। कार्यस्थल पर अकारण तनाव हो सकता है, जिसके कारण जो ऑफिस में कलीग्स हैं आप लोगों के, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आ सकती हैं। यात्रा हालांकि सफल रहेगी, कामकाज में किया गया कोई भी पहल आज अच्छी रहेगी, शुभ समाचार आपको मिलेगा। इसी के साथ मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा, धन आगमन के योग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अस्वस्थता भी रह सकती है, सेहत का ध्यान दीजिए। राजकार्य से जुड़े लोगों के लिए समय काफी उपयुक्त रहेगा। इसी के साथ उपाय, आज के दिन में पीपल का जो वृक्ष है उसमें संध्या काल के समय दीपक जलाना आपके काम में आ रही दिक्कतें खत्म होंगी। बात करेंगे कर्क राशि, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, तो लंबे समय से चले आ रहे विवाद आज शांत हो सकते हैं, ग्रह सुख मिलेगा आज आपको। साथ ही में स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, सम्मान बढ़ेगा, निवेश आदि कामों के लिए अनुकूल स्थितियां नजर आ रही हैं, मन में किसी प्रकार का कोई भी संकोच आज नहीं रखना है, रिश्ते बेहतर होंगे। उपाय आज करना है शनि स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए द जस्टिस एंड एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, तो अपनी आदतों को बदल लीजिए, नहीं तो लोगों को इससे परेशानी हो रही है, आपके रिश्तों में तनाव बढ़ता चला जाएगा। परिजनों का साथ आज मन को आनंद देगा, हानि से बच करके चलना है, कोई भी जोखिम नहीं लेना है, धन प्राप्ति के सुगम योग नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ यात्रा से आज आपको लाभ जरूर होगा, भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, तो कुल मिलाकर दिन काफी अच्छा है, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। उपाय की बात करी जाए तो आज शनि चालीसा का पाठ संध्या काल के समय करना बेहद लाभकारी रहेगा। कन्या राशि, पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स निकल रहा है, अनजाने में हुई गलती आपको परेशान कर सकती है, कहीं ना कहीं पे मन में किसी तरह का संकोच रहेगा, व्यवसाय में जोखिम नहीं लेना है आपको, व्यय वृद्धि हो सकती है, चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है, इससे थोड़ा सा संभल करके चलें, किसी की अपेक्षा नहीं करनी है, किसी के बहकावे में आकर के कोई काम नहीं करना है, थोड़े संयम रख करके काम करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के साथ विवाद संभव है, तो आज कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे कि वाद विवाद में आप लोग पड़ जाएं। उपाय करना है आज सुबह उठ करके चंदन का तिलक लगा करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगा, साथ ही में आप बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे। चलिए बात करेंगे तुला राशि, पहला कार्ड आप लोगों के लिए निकल रहा है टू ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स, तो दिन की शुरुआत आज के दिन में प्रसन्नता पूर्वक रहेगी, इसी के साथ साथ रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, यात्राएं आज सफल रहेंगी, इसलिए यात्रा पर जाना अच्छा है, धन लाभ की स्थितियां भी नजर आ रही हैं, निवेश आदि के लिए अनुकूल रहेंगे, भय चिंता लेकिन सता सकती हैं अपने घर परिवार को लेकर के, कर्मचारियों से परेशान रहेंगे आज, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं खुद का काम कर रहे हैं वो लोग अपने जूनियर से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है उन लोगों को। आज के दिन में सरसों का तेल किसी भी लोहे के पात्र में डाल करके उसमें एक सिक्का डाल दीजिए और छाया दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। चलिए बात करेंगे स्कॉर्पियंस की, टेन ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, तो व्यवसाय में विरोधी आज सक्रिय हो सकते हैं, संभल करके चलिए, दिनचर्या में बदलाव रहेगा, नई योजनाएं बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कार्यशैली में बदलाव से आज लाभ बढ़ सकता है, धन कोष में वृद्धि होगी, इसलिए आज के दिन में निवेश आदि करना अच्छा है, माता के स्वास्थ्य में बदलाव हो सकता है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। उपाय करना है आज सुबह उठ करके आपको अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करनी आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि, किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड द मून कार्ड निकल रहा है, ग्रह कलेश को टाल दीजिए, नहीं तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है, कोशिश कीजिए वाद विवाद में नहीं पड़ें, अपने आप को बदलने का प्रयास करें, अपनी आदतों से दूसरों को परेशान ना करें, जीवन साथी की चिंताएं आपको रह सकती हैं, यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा सफल रहेगी, तंत्र मंत्र में आज रुचि बढ़ सकती है, आज के दिन में मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए अच्छा है, तीर्थ स्थान पर जाना आज संभव है, धन प्राप्ति के योग भी नजर आ रहे हैं और न्याय पक्ष आपके लिए उत्तम रहेगा आज, क्योंकि जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के काम चल रहे हैं उनके लिए उनके फेवरेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसी के साथ उपाय की बात करी जाए तो आज भगवान शनि की उपासना करना आपके लिए अच्छा है, शनि स्त्रोत का पाठ जरूर करें। मकर राशि वाले लोगों के लिए फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट कार्ड निकल रहा है, प्रेम प्रसंग में सफलता के योग नजर आ रहे हैं, किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अग्नि वाहन मशीनरी के प्रयोग में थोड़ी सावधानी बरतें, विवाद से भी आज बचने की जरूरत है, कुसंगति से हानि हो सकती है, कोशिश करें ऐसे लोगों का संग नहीं पकड़ें, पुराना रोग आज फिर से उभर सकता है, तो सेहत का ध्यान देना भी आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय करना है आज के दिन में आपको सरसों का तेल, काले उड़द और लोहे का पात्र, किसी भी जो काली उड़द है वो किसी भी काले कपड़े में डाल करके आपको किसी रकौत को दान करनी है, ध्यान दीजिए जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, यानी कि शनिवार के दिन खरीदनी नहीं है आपको, फ्राइडे में खरीद के रखनी चाहिए ये चीज़ें, तो जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं उनको आप आज डोनेट ज़रूर कीजिए।
कुंभ राशि की बात करते हैं, द लवर्स एंड फाइव ऑफ वांड्स कार्ड निकल रहा है, तो मानसिक शांति आज मिलेगी, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता नजर आ रही है, धन प्राप्ति भी हो रही है, इसी के साथ अस्वस्थता रह सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। विवेकपूर्ण कार्य करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज के दिन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है स्टूडेंट्स को। वाहन सुख मिलेगा, जी हाँ, आज वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा है। संतान सुख भी आज के दिन में संभव है। तुलसी के पौधे में संध्या काल के समय जोत जलाना आज अच्छा रहेगा। मीन राशि पाइसेंस के लिए पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है, तो धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। शत्रु शांत रहेंगे, संपत्ति के कार्यों से लाभ हो सकता है, उन्नति होगी, शारीरिक कष्ट संभव है, निवेश आदि आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ संतान सुख भी संभव है। उपाय करना है, दीपदान संध्या काल के समय करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और कल भी लेकर आऊंगी ऐसे ही आपकी राशियों का हाल, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।